एवरेज लाइफ या मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, इसके साथ इसको जो है देखते हैं क्या करना है। एवरेज लाइफ क्या है, देखो किसी एटम का नंबर, रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हुई, किसी एटम का नंबर तो अभी आ गया, वो तो गया, टूट गया, और किसी का सालों साल नहीं आया, क्यों? 1 करोड़ एटम थे, अब 1 करोड़ एटम टूटने शुरू हुए, जब मुश्किल से 10 रह गए, अब एटम कहते हैं हम क्यों टूटे, रेडियो एक्टिविटी, वो पैसे कम रह गए ना, अब खर्चा क्यों करें, तो रेडियो एक्टिविटी स्लो हो जाती है, तभी तो सालों साल असर रहता है। जापान में बॉम्ब गिरा, वो सालों साल ख़त्म नहीं हुआ प्रॉब्लम, क्योंकि जो एटम्स वहाँ गिरे, शुरू शुरू में रेडियो एक्टिविटी बहुत फास्ट थी तो लोग जाते रहे, लेकिन उसके बाद भी कई साल तक, 50 साल तक वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी बार बार होती रही, और आज भी कोई गारंटी नहीं है वो कब कहीं ना कहीं एटम टूट जाए, मतलब सालों साल भी चल जाती है। तो इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स काफ़ी डेंजरस हैं। तो इसमें लाइफ क्या है, अब एक रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हुई, किसी की लाइफ एटम की तो जीरो है और किसी की तो इनफाइनाइट टाइम है, तो हम लाइफ कैसे निकालें? तो हम क्या करेंगे, सभी एटम की टोटल लाइफ निकाल लेते हैं ऐड करके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करके आंसर आएगा। हालांकि आई डाउट कि पेपर में आएगा, एक ही बार 10 साल में आया है, और मुझे लगता है ये हट गया सीबीएसई के सिलेबस से। बस दो लाइन में ख़त्म करना चाहता हूँ कि आपके पास नंबर ऑफ एटम शुरू में एन नॉट थे, मान लो आपके पास शुरू में एटम कितने थे, एन नॉट थे, टाइम क्या था, जीरो, टी टाइम पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एन, यानी कि ये एन एटम की लाइफ टी तो पक्की गारंटी है, अब तक तो मरे नहीं ना, क्योंकि टी तो बचे हुए हैं, टी टाइम पे एन तो बचे हुए हैं, तो इनकी लाइफ टी तो पक्की हो गई। अब इन में से कुछ एटम गए, अगला डी एन, इसमें से कुछ एटम तो गए, कब गए, डी टी टाइम में गए, तो इनकी लाइफ कितनी होगी, टी प्लस डी टी, एन, इस डी एन एटम की लाइफ क्या है, टी प्लस डी टी ना, क्योंकि एन एटम की लाइफ क्या चल रही थी, टी, अगला डी एन गया, जो अगला डी एन गया तो डी टी टाइम में गया, तो उसकी लाइफ ये है, टी के मुकाबले डी टी बड़ा छोटा है, तो अप्रॉक्सीमेटली इनका टाइम भी क्या है, टी, तो डी एन एटम का टाइम क्या है, टी, मतलब डी एन एटम, मतलब मान लो 10 एटम है, एक एटम का टाइम जीने का कितना है, टी, दूसरे का भी टी, तीसरे का भी टी, और 10 एटम का 10 इंटू टी, ऐसी डी एन एटम का टोटल लाइफ क्या बनेगा, डी एन इंटू टी, तो डी एन एटम की टोटल लाइफ क्या बनी, डी एन इंटू टी, क्योंकि एक एटम की लाइफ है टी 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 टी, और हम सब मिला के डी एन है, तो डी एन इंटू टी, तो टोटल लाइफ डी एन एटम की कितनी है, डी एन इंटू टी, और हमने तो टोटल लाइफ निकालनी है, तो एन की लिमिट क्या पुट करेंगे, जीरो से एन नॉट, तो ये टोटल लाइफ आ गई सभी एटम्स की जीरो से एन नॉट की, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स, एवरेज लाइफ को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो ये फंक्शन बना लिया, अब यहाँ पे एक स्टेप किया हमने, एक रिजल्ट किया है, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैमडा इंटू टी, ये सॉरी माइनस लैमडा इंटू एन, ये हमने रिजल्ट किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस डी एन इज इक्वल टू लैमडा इंटू एन इंटू डी टी, या फिर डी एन इज इक्वल टू माइनस लैमडा इंटू एन की जगह एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैमडा टी इंटू डी टी, इस डी एन को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, ये सब किया हुआ है, तो जब यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी, और एन नॉट कैंसिल करके ये टर्म आ जाएगी बस, तो ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई। अब यहाँ पर लिमिट टाइम की लगेगी, टाइम की, जब एन की लिमिट लग रही थी तो नंबर ऑफ एटम एन नॉट कितनी कब थे, टाइम जीरो था, और जीरो कब हुए, इन्फिनिटी पे, तो टाइम की लिमिट देखें, जीरो से इन्फिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं आपके, जीरो, और ये एन नॉट है, ऐसे ही हुआ ना, एन की लिमिट क्या लगी, एन की लिमिट लगी जीरो से एन नॉट, तो टाइम की लिमिट क्या लगेगी, इन्फिनिटी से जीरो, तो इन्फिनिटी से जीरो इसे इंटीग्रेट करें, मैथ्स के लोग जानते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तभी नहीं आता पेपर में, ये मेडिकल लोग कैसे करेंगे, तो आप इसे सीधा लिख दें, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट टाउ इज इक्वल टू 1/लैम्डा, और लैम्डा आपको पता है हाफ लाइफ पीरियड की फॉर्म में क्या होता है, 0.96631/t, तो यहाँ से लैम्डा को पुट करके सॉल्व करके एवरेज लाइफ जो होती है 1.44 टाइम्स हाफ लाइफ के इक्वल होती है, तो ये ऑब्जेक्टिव में हो सकता है यूज हो जाए, ये फॉर्मूला नोट कर लें, ठीक है। और यूनिट्स रेडियो एक्टिविटी के, तीन बड़े महान साइंटिस्ट ने काम किया, याद करते हैं, पहले मैडम क्यूरी, इनका ये रेडियो एक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट करते करते ही चल बसी, क्योंकि इनकी ये बड़ी मतलब ये काफ़ी डिटेल में काम कर रही थी, रेडियो एक्टिव रेडिएशन गिर गई थी,
और इनकी डेथ हो गई थी, तो मैडम क्यूरी, तभी ये फेमस है। बैकरल, बैकरल जो है ऐसे यूनिट है, रदरफोर्ड तीसरा बंदा जिसने काम किया, तो बस इतना ही है आज।